होता है ना बिकॉल बिकॉल ब्यूटीफुल पैटर्न जो आप मन लिए, सो क्या आप इधर रख दो रंगोली को उठा के इधर रख दो हिसाब से है ऐसा मेरा फेस्टिवल के कलर्स है। हेलो सो मुझे फॉर दिस ईयर फ्रेंड्स नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मानसी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो दिवाली और दिवाली हॉल मेरे चैनल पे आई थिंक 3 years से इट हैज बीन कमिंग, 3 या 2 years आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है। सो इट हैज बीन कमिंग, सो इस साल भी आई एम हियर विद दिवाली हॉल टू हेल्प यू आउट विथ योर शॉपिंग एंड शोकेस माई शॉपिंग। शॉपिंग दिखाने में बहुत मजा आता है। सो वेरी ब्यूटिफुल प्रिटी प्रिटी चीजें हैं मेरे पास। और इससे पहले मैं बता दूं मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे होम डेकोर दिवाली से रिलेटेड हॉल वीडियोज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बेडशीट हॉल और होम डेकोर हॉल आ चुका है, सो चेक दैट आउट। और नए हो मेरे चैनल पे तो दिस इज मानसी, आई मेक व्लॉग्स, हॉल वीडियोस, क्लोथिंग हॉल, होम डेकोर हॉल, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस, सो डेफिनेटली चेक माय चैनल। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस थोड़ी वीडियोस देखो और अगर पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेडशीट हॉल तो आ गया है, अब आते हैं कुशन की बात करते हैं, कुशन और कुशन कवर्स। अभी दिवाली के टाइम पे ये है एक चीज जो आप चेंज कर दो तो घर का लुक बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। सो इजिएस्ट वे टू चेंज द होम का लुक इज टू चेंज द कर्टन्स प्लस द कुशन कवर्स। ठीक है, कर्टन्स मैंने लास्ट वीडियो में एक दिखाए थे आपको, यू कैन चेक दैट आउट। बहुत ही प्रिटी से कलर्स हैं, पिंक एंड ऑरेंज एंड ब्लू, तो ये सारे आपके जो फेस्टिवल कलर्स है ना उस हिसाब से है। ठीक है, और ये है मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है यहाँ पे ताकि आपको पता लगे एग्जैक्टली दिखता कैसे है। सो मैंने फिलर्स भी मंगाए हैं, वही फिलर मैंने इसमें डाला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ वो। सो इस हिसाब से है, ये फिलर भी मैंने नया मंगाया है, सो आई विल शो दैट टू यू ऑल्सो। सो इस हिसाब से जिप लगा दो आप, तो पास से आपको दिखाते हैं मटीरियल इसका कुछ हिसाब से ऐसा है और थोड़ा शाइन है, ग्लेज है ना, तो इस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहता है दिवाली के लिए। सो मस्त है ना, प्रिंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे कुशन कवर्स के, सारे ही प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये है मेरा दिवाली से रिलेटेड परचेज का पहला। तो यहाँ पे मैं कुछ सजेशंस वाले कुशन कवर्स भी डाल रही हूँ, मुझे रिक्वेस्ट आए थे ब्रोकेड के, कुछ कॉटन, कुछ बेज और कुछ येलो कलर के कुशन कवर्स के भी। सो मैं इतना सब तो खरीद नहीं सकती हूँ, बट येस मैंने इन सबको ढूंढ के जब मैं अपने कुशन कवर्स देख रही थी तो मुझे जैसे जैसे जो सजेशंस आए और जो मुझे अच्छा लगा और आपके रिक्वेस्ट मेरे दिमाग में थे तो मैंने वो यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। इनमें जो अल्फाबेटिक नंबरिंग है उसी नंबरिंग से आपको ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। इन सभी पिलो कुशन कवर्स में आपको और भी पैटर्न्स और कलर्स मिल जाएंगे। कलर्स हैं वो ऐसे आते हैं, ठीक है, तो वैक्यूम सील होते हैं, इसलिए काफी लोगों के रिव्यूज में मैंने वो भी देखे थे, उन्होंने लिखा था कि खराब आए हैं, पतले हैं बिल्कुल। सो बेसिकली पतला नहीं होता है, आप इसको कट करते हो ना तो वैक्यूम सील होता है, वरना तो आएगा कैसे ना, इतने बड़े बड़े कुछ ये तो पिलोज और कुशन के जो फिलर्स होते हैं ना ऐसे ही आते हैं। तो इस हिसाब से है बहुत ही रीजनेबल रेट पे, आई थिंक 600 से 700 में मुझे मिला ये। तो धीरे धीरे हवा लेगा और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, लंबे में भी हैं, छोटे में भी हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट अकॉर्डिंग टू यू। सो प्राइस के हिसाब से दिस इज वेरी गुड एंड आई एम ऑन अ रेंटल हाउस, तो उस हिसाब से मैं बहुत ज्यादा यू नो आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड टू मच ऑन होम डेकोर रिलेटेड प्रोडक्ट, तो आई ट्राई टू कीप इट अफोर्डेबल ताकि आगे चल के चेंज करें तो भी उतना यू नो फील ना हो कि पुराने सामान बहुत महंगे थे। सो उस हिसाब से है, सो ऑल थिंग्स आई बाय कीपिंग दैट इन माइंड कि होम डेकोर ऐसा चीज है विच आई लाइक टू चेंज बीच बीच में। सो उस हिसाब से प्लस ऑन अ रेंटेड फ्लैट सो यू नेवर नो कब चेंज करना पड़े, तो येस। सो दिस वॉज द कुशन कवर एंड द कुशन फिलर्स। और क्या है जिससे आप दिवाली में थोड़ा घर का पैटर्न चेंज कर सकते हो, वो है इस तरह के टेबल रनर्स। सो इसके पहले वाले होम डेकोर उसमें मैंने एम्ब्रॉयडर्ड वाला टेबल रनर शेयर किया था, सो हियर टूडे आई एम शेयरिंग दिस इस कलर में। तो 2-3 टेबल है, शू रैक्स है, तो उनके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट चाहिए था। सो ये ऐसा है मटेरियल, ऐसा ही सिमिलर आई थिंक रेड कलर का मैंने लास्ट ईयर शेयर किया था विच टर्न आउट टू बी वेरी गुड, तो मैं जहां पे भी लगाती हूँ बहुत सुंदर लगता है। सो उसी उसमें मैंने ये मंगाया और बहुत सस्ता है, आई थिंक 300 मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, 300-250 की ऐसे 350 कुछ का तो है। ये दो लेयर है इसमें इस हिसाब से, ठीक है, ऐसा गोल्डन टासल मिल जाता है। सो फेस्टिवल एप्ट है बिल्कुल, गोल्डन टासल, शाइन है बहुत अच्छा, मटेरियल इज वेरी गुड, आराम से वॉश हो जाता है। सो ऑरेंज, गोल्डन, येलो, रेड, ये सब है ना फेस्टिवल के कलर्स हैं, तो इसमें भी आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो अपने हिसाब से, आपके होम डेकोर के हिसाब से, घर के उसके हिसाब से आप यू कैन गो अहेड एंड बाय। तो मैंने इस बार थोड़ा येलो का ही रखा है, सो मैंने ये लिया है। सो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप कलर्स चेक कर सकते हो, तो यू कैन गो अहेड एंड चूज द कलर दैट इज एप्ट फॉर योर हाउस। दिवाली में
उर्ली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बोलेंगे बट वन ऑफ द थिंग जो हम चेकआउट करते हैं. सो दो साल से आई हैव बीन शोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ उर्ली. वो उर्ली वैसे के वैसे आप मुझे कमेंट्स आते हैं उन वीडियोज पर भी, वो वीडियोज चल रहे हैं दिवाली रिलेटेड वाले, तो मुझे उसमें कमेंट आते हैं कि ये कैसे हैं. तो एग्जैक्टली सेम है, पानी डाल के मैंने बहुत यूज किया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. सो इस साल में मैंने थोड़ा ढूंढने का ट्राई किया थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में उर्ली. सो अगेन आई गॉट दिस बहुत ही प्रिटी सा, देखो ये दिस इज लाइक. सो आपका जो पिकॉक होता है ना बिल्कुल वैसे स्टाइल में है, दो लेयर में है एंड एट अ सच अ अफोर्डेबल रेट मैंने इमिजिएटली इसको ऑर्डर किया है. सो ये है आपका, दिस इज अ बेसिक पैटर्न, लास्ट ईयर भी बहुत शेयर हुआ था इस तरह का पैटर्न, इज वेरी कॉमन बट दिस दो लेयर में एंड बिल्कुल ये ऐसा मोर पंख जैसा ये जो है ना, दिस इज वेरी नाइस, ऊपर ऐसे मिल जाता है. तो यहाँ पे आप फ्लास्क डाल सकते हो, बीच में किसी भगवान की मूर्ति रख सकते हो, कम्प्लीटली डेकोरेशन इज अप टू यू. यहाँ पे आप ओरिजिनल ऑयल डाल के ओरिजिनल बाती रख दो या फिर आप वो कैंडल्स रख दो, टी लाइट वाले, आर्टिफिशियल या रियल, कम्प्लीटली अप टू यू. सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा है. आर्टिफिशियल फ्लावर डाल के अगर आपको यू नो घर के अंदर रखना है, आर्टिफिशियल डाल के वो और यहाँ पे वो जो बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स आते हैं ना, टी लाइट कैंडल्स, वो रख दो. सो वेरी नाइस, क्वालिटी इज वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसा मोड जैसा, बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. सो डेफिनेटली अगर आपके पास उर्ली नहीं है या फिर आप कुछ डिफरेंट सा पैटर्न देख रहे हो, सो यू कैन गो अहेड विद दिस. सो उर्ली के साथ ही मैंने इस बार ना उर्ली के साइड में मैंने ये सैंडल्स बहुत देखे थे लास्ट ईयर से, सोच रही थी लेने का बट मैंने लिया नहीं, मैंने इसको अभी सेट नहीं किया है. तो मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगी कि ये दिखता कैसा है, बाकी क्वालिटी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ. तो ऐसे लूज में आया है. सो उर्ली के साइड में अगर आपको थोड़ा अच्छा सा एरिया क्रिएट करना है ना, दैट कॉर्नर काइंड ऑफ थिंग, तो आप कर सकते हो. सो ऐसा है इसका मटेरियल, इस हिसाब से है. तो इसमें नीचे ऐसा स्टैंड है, ठीक है, और बीच में एक इस हिसाब से स्टिक है. तो आप तीन के सेट में इसको कहीं पे भी आप खड़ा कर सकते हो. तो ये ऐसा पूरा सेट हो जाता है इस हिसाब से यहाँ पे. और मैं आपको लगा देती हूँ एक ऐसा, एक लगा के आपको दिखा देती हूँ. सो इस हिसाब से ऐसा, ठीक है. सो ये ऐसा खड़ा हो जाता है. अभी इस पे आप ऊपर यू नो कहीं पे मंदिर के दोनों साइड में रख दो, यहाँ पे अच्छा सा दिया जला के, कैंडल जला के, या फिर घर के दरवाजे के बाहर लगा दो, थोड़े से फ्लावर्स डाल के वो भी कर सकते हो आप, या फिर पानी में थोड़े से पेटल्स डाल के कैंडल भी लगा दो वापस से. सो कम्प्लीटली अप टू यू, तीन एक साथ रखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग रखो, डोर के पास कहीं पे भी. सो वेरी नाइस, बहुत ऑप्शंस है इसको यूज करके डेकोरेशन का. सो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज. सो उर्ली से रिलेटेड ये दो परचेजेस थे मेरे. दिवाली है तो रंगोली है ना, सो रंगोली बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं फ्लोरल रंगोली बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरी बेटी बड़ी होगी, उसको रंगोली का बहुत शौक है, स्पेशली दैट कलर वाला. उसने लास्ट ईयर भी बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन बनाए थे. इस ईयर आई थॉट लेट मी मेक हर लाइफ ईजी एंड माई लाइफ ऑल्सो ईजी, बिकॉज इस तरह की चीजें अवेलेबल है मार्केट में. तो ये रेडीमेड रंगोलीज हैं, ठीक है. तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये एमडीएफ का है और यूज एंड थ्रो नहीं, आराम से यूज करो सालों साल, आप हर साल यू नो एक एक दो दो डिफरेंट डिजाइन्स के ले लो. सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ रंगोलीज. इनफैक्ट आप ऐसा ना दो तीन लेके एक साथ ऐसे सेट कर दो ना चार पांच, तो एक आपका बड़ा सा रंगोली बन जाएगा, चारों तरफ फ्लावर्स वगैरह लगा दो. तो ये इस तरह का है ऐसा, ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पे गैप्स, यहाँ पे ये स्पेस है, ठीक है. सो ये स्पेस की वजह से क्या है ना, आप यहाँ पे रंगोली के जो पाउडर्स आते हैं वो मैंने अलग से मंगाया, दिखाती हूँ आपको, वो इसमें डाल सकते हो. इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो फ्लावर चारों तरफ बिछा दो, इसमें रख दो. तो ये अभी तो ये मतलब ये कम्प्लीटली अप टू यू, आपके इमेजिनेशन पे आप इसको कैसे यूज करके डेकोरेट करते हो. सो दिस इज वेरी हैंडी. अभी एक रंगोली अगर बन गया ना थोड़ा आगे पीछे दरवाजे के बीच की जगह साइड बन गया, तो भी रंगोली क्या है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, तो भी इसको साफ करके दोबारा बनाना इज क्वाइट टफ, राइट. अभी ये है कि इसको रंगोली को ही उठा के आप इधर रख दो, रंगोली को ही उठा के इधर रख दो. सो भगवान की पूजा करो, रंगोली उधर लगा दो, उठा के जब बाहर जब डेकोरेशन की बात हो, गेस्ट आने स्टार्ट हो, फिर आप उठा के वहां पे रख सकते हो. जस्ट अ थॉट. सो कम्प्लीटली अप टू यू. सो अगर आपको और भी इजी वे चाहिए रंगोली का, तो दिस इज अनदर ऑप्शन जो आप यू नो देख सकते हो, जिसमें आपको कुछ भी कलर वाला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उठाओ और रख दो. सो ये भी आप चेक कर सकते हो. डालने के लिए मैंने इस तरह के पूरे रंगोली का पूरा डब्बा मंगाया है, ऐसे कलर्स इसमें बहुत सारे, ऑलमोस्ट सब कलर्स हैं इसमें, ठीक है. तो मैंने इस हिसाब से मंगाया है, ग्लिटर वाले भी हैं और क्या क्या है इसमें को देखते हैं ओपन. हाँ तो सारे वही हैं, थोड़े से ग्लिटरी हैं जिसमें थोड़ा सा चमक है अंदर, जो सैंड है उसमें, लेट मी जस्ट फोकस, ओके. और थोड़े से प्लेन हैं. सो सारे कलर्स हैं इसमें. सो यू कैन बाय दीज, ये अलग से लेने पड़ेंगे आपको. इस साल दिवाली हॉल में मैं आपके साथ फ्लावर्स शेयर करती हूँ, जो आर्टिफिशियल गेंदे के फूल होते हैं ना, वो बहुत हैंडी होते हैं फ्रेंड्स, उसको रंगोली बनाने में, घर के अंदर कहीं पे भी डेकोरेट करने में आप यूज कर सकते हो. और हर साल मैं बंचेस खरीदती हूँ और उसको एड ऑन करती हूँ. इस साल भी मैं लेने वाली हूँ उसको, अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं किया, बिकॉज मेरे को देखना पड़ेगा मेरे पास कितने हैं. तो मैं फोटोज यहाँ पे लगा दूंगी और उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो चेक कर सकते हो. सो इस साल मैं थोड़े से डिफरेंट कलर का मैं सोचा ट्राई करते हैं, तो आई बॉट दीज.
एंड आर्ट दे ब्यूटिफुल, बिल्कुल रियल लग रहे हैं ना, बिल्कुल रियल लुक दे रहे हैं। अगेन दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, इसको आप कहाँ सजाते हो, एज अ तोरण भी इसको यूज कर सकते हो आप घर में डेकोरेशन के लिए भी, या फिर बीच में कहीं पे ऐसा लगा के ना ऐसा, इस हिसाब से अगर आप चारों तरफ से ऐसा ऐसा कर दो, सो इट विल बिकम अ ब्यूटिफुल पैटर्न जो आप मंदिर के ऊपर यूज कर सकते हो। एंड सीरियसली इट लुक्स रियल, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। सो येलो ऑरेंज गेंदे के फूल के साथ साथ यू कैन एड दीज व्हाइट कलर के मोगरा बोलते ना इसको, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो वैसा। सो बहुत सुंदर है ये, सो गो अहेड विद दिस। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ये 6 का सेट है और मेरे फिंग लाइट्स के साथ स्टिक हो रहे हैं। सो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज। लाइट्स आए गए हैं तो वही दिखा देती हूँ आपको। सो इस तरह के लाइट्स ना बहुत मैंने देखे हैं पिछले साल काफी जगह, और मुझे था लेने का, बट आई ऑलरेडी हैड फेरी लाइट्स जो मैंने अपने लास्ट टू लास्ट हॉल में शेयर किए थे, और ये ना बहुत जल्दी खत्म नहीं होते, इनके बैटरी आप सीन बहुत चलते हैं। इस तरह के जो फेरी लाइट्स है ना, ये कॉक वाले मैंने पहली बार लिए हैं, और इसका फायदा ये है कि आपके पास कोई भी खाली बॉटल हो उसमें आप ऊपर से लगा दो इसको और अंदर इसको डाल दो, लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। और इनफैक्ट इसको अगर आप कहीं पर हाइड करके किसी भी चीज में भी लगा दो तो भी दिस विल वर्क। आपके पास घर में कोई प्लांट है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज है, आई थिंक फेरी लाइट तो सबको पता है, फोटोज हैं वॉल पे, घर पे कोई भी है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स डाल दो एक ट्रे में, उसमें ये ऐसे ऐसे करके सेट कर दो, तो देखो कितना कितना ब्राइट, इतना सारा कितना ब्राइट है मेरा फेस, यू कैन सी, यू नो दिस इज सो ब्राइट। सो ये 2 के सेट में आया है एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, सो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। और ये फेरी लाइट्स तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ दिवाली, यू कैन यूज इट एनी टाइम, और जस्ट बिकॉज ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं ना, आप कैसे भी करके इसको बना सकते हो। इनफैक्ट जो फोटो है ना मैं यहाँ पर डाल दूंगी, उन्होंने हार्ट भी बना रखा था ऐसे करके कुछ, तो ट्विस्ट करके दे हैड मेड दैट हार्ट, जस्ट बिकॉज ये अपने हिसाब से पूरा आप ट्विस्ट कर सकते हो। सो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज। टी लाइट्स में हर साल व्हाइट कलर के आर्टिफिशियल बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स लेते हैं ना, इस बार मैंने डिफरेंट लिया है। इसमें ये सी कितना सुंदर है, अभी ये क्या है ना, आप कुछ भी डेकोरेशन करते हो उसमें कलर्स एड कर देता है, दैट व्हाइट की जगह नाउ यू हैव दिस रेड, ओके लाइक दिस, सी कितना प्यारा रेड है। इसमें रेड, गोल्डन और सिल्वर था, तो मैंने गोल्डन और रेड लिया है बिकॉज लुक्स वेरी नाइस। देखो इस हिसाब से कितना सुंदर, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो प्लास्टिक बट लुक्स वेरी नाइस, ऐसा बिल्कुल चीप जैसा लुक नहीं आता है। सो दिस इज लाइक दिस, सो बहुत अच्छा, यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस बिकॉज ये मैंने पहली बार देखा, लास्ट ईयर मुझे ऐसे कलरफुल वाले टी लाइट्स नहीं दिखे थे, इस बार दिखे हैं। सो रेड, सिल्वर एंड गोल्डन में है ये अवेलेबल, सो यू कैन चेक दैट आउट। और रियल कैंडल्स भी ये वाला ब्रांड का मैं लेती हूँ, मैंने ऑर्डर किया, मेरे पास आया नहीं है, बट ये लास्ट ईयर से मेरे पास रखे हुए हैं, तो आई शो यू, काफी अच्छे निकले थे ये वाले ब्रांड के। सो ये भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा एक बहुत बड़ा सेट आया था, आई थिंक हाँ 50 टी लाइट ये आपके जो है ना रियल कैंडल्स उसके। सो ये है मेरा परचेज, अभी तक आया नहीं है, सिर्फ डिलीवर नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट आर दीज टू ब्यूटिफुल कैंडल होल्डर्स, ठीक है, इस हिसाब से देखो कितना कितना सुंदर है, मटेरियल क्वालिटी इज अमेजिंग, मंदिर में कहीं पे भी, मतलब ये दिवाली का डेकोरेशन तो ऐसा, इट इज कम्प्लीटली हर किसी के घर के और उनके टेस्ट और यू नो थॉट प्रोसेस के ऊपर है। सो ये 2 के सेट में आए थे, दीज आर ऑल्सो एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। सो सारे प्राइस वगैरह जो भी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रोडक्ट लिंक्स रहेंगे वहां से आप चेक कर सकते हो, बिकॉज प्राइस चेंज होता रहता है। मैं जब भी कुछ भी प्राइस बताती हूँ कमेंट आता है, आपने तो ये बोला था यहाँ पर तो ये दिखा रहा है, तो आप ऐसे झूठ झूठ वो मत बताओ। सो इसीलिए आई प्रिफर रादर नॉट शेयरिंग द प्राइस, तो आप यू नो इन केस यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, आप उस दिन जाके लिंक क्लिक करते हो तो आपको फ्रेश जो प्राइस है वो दिख जाएगा। सो ये इस हिसाब से है, ठीक है, बहुत अच्छा क्रिस्टल जो है ना उस हिसाब से है ऐसा, सो ब्यूटिफुल ना। सो सेम क्रिस्टल वाला ये इस पैटर्न में भी अवेलेबल है, तो अगर आपको राउंड नहीं चाहिए, आप कुछ ऐसा देख रहे हो, तो आप ये वाला भी चेक कर सकते हो। टी लाइट होल्डर में इस बार मैंने ना ये मंगाया है, अरे बड़े सुंदर आए हैं यार ये ऐसा देखो, ऐसा इसका सेट है, 1, 2, 3, 4 4 का सेट में आया है ऐसा। पहले मुझे लगा शायद ये ऐसे खड़ा, ओके पहले मुझे लगा ये ऐसा ऐसा हमको शायद इसको रखना होगा इस हिसाब से, फिर मैंने देखा यहाँ पे तो यार बहुत ज्यादा ऐसा अजीब सा हो रहा है, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं दिस इज लाइक दिस, ओके। सो द क्वालिटी इज सुपर, ऐसा शेल्स है चारों तरफ रियल शेल्स, तो आप ऐसे इनको रखोगे, रुको मैं दिखाती हूँ एक, और साथ में इन्होंने कैंडल्स भी दिए हैं ऐसा रेड में, और जस्ट बिकॉज दिस इज रेड ना लुक्स वेरी नाइस। सो ऐसा इस हिसाब से आप है आपका, सो कलर्स सारे हैं, ग्रीन है, रेड है, ठीक है, येलो है, सो वेरी नाइस। सो ये 4 के सेट में है, थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, अदर देन दैट जो नॉर्मल आपके जो होते हैं ना टी लाइट होल्डर्स, उससे थोड़ा डिफरेंट लगा। सो आई गॉट दीज फॉर दिस ईयर।
सो टी लाइट होल्डर्स में भी लेट मी गिव यू सम ब्यूटिफुल सजेशंस. एक ये था जो बैरल शेप में है, एक ये मेटल का गणपति का था, ये भी मतलब बहुत सुंदर लगेगा. देन दिस वॉज गोल्डन जिसमें चारों तरफ ना मोती का प्रिंट है, एंड देन यू हैव दीज लोटस. तो बहुत सारे के तरह के डिज़ाइन है यहाँ पे, कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. लास्ट होम डेकोर हॉल में मैंने एक कुछ प्लांटर्स शेयर किए थे, तो उसके बाद आई गॉट वेंट अहेड एंड बॉट दिस बिकॉज मैंने ये जो ये वाला लिया है ना, इसके साथ दिस गोज वेरी नाइस. तो ये है मेरा नेक्स्ट प्लांटर्स में होल भी है. सो इनके साथ रियल प्लांट लगाते हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन आपके पास अगर आर्टिफिशियल है तो आप वो भी छोटा सा प्लांट इसमें लगा सकते हो. कैसे? ओके, लाइक इस हिसाब से. तो मेटल का है ये, सो ऐसा आप कहीं पे भी खड़ा कर दो इसको. और ये ना बहुत सारे इसमें प्रिंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न में हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि दिवाली के हिसाब से थोड़ा सा एथनिक में हाथी प्रिंट और ये रेड और मरून प्रिंट बहुत अच्छा लगता है. सो लेट इट फोकस. तो मैंने ये वाला मंगाया है, कुछ साफ करना पड़ेगा, बहुत इसमें वाइट वाइट वो लगे हुए हैं. सो ये है अ प्लांटर. सो अगेन इसमें बहुत कलर्स और बहुत पैटर्न्स है, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू यू. सो मुझे ऐसा चाहिए था, एज मैंने बताया कि उसके साथ मैच करता हुआ थोड़ा रेड चाहिए था फेस्टिवल के हिसाब से, तो आई गॉट दिस. सो नेक्स्ट है इस तरह का कैंडल. ओके, ये कितना क्यूट है, इसमें ना कॉपर कलर था और एक गोल्ड कलर था. ये भी थोड़ा एंटीक सा लुक दे रहा है एंड गोल्डन में है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट. तो खुशबू ऐसी ऐसी नहीं कि बिल्कुल आपका घर भर जाएगा खुशबू से, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिल्कुल भर के, वैसा नहीं है, बहुत माइल्ड है इसकी जो सेंट है. आई हैव एन माइग्रेन इशू तो मुझे तो बिल्कुल परफेक्टली चलता है बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हल्के खुशबू से. और एक बार ये खत्म हो जाए तो उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो बाद में, उसके नीचे ना ऐसा है तो ये स्किड भी नहीं होता कि ऐसा ऐसा गिर जाएगा कहीं पे, तो वैसा नहीं होता है. एक बार जब ये पूरा यूज हो जाए आप इसको आराम से यूज कर सकते हो बाद में किसी और चीज के लिए. और वो भी कितना अच्छा है ना, इसका डिजाइन भी कितना अच्छा है इस हिसाब से. सो ये पूरा अच्छा खासा मेटल का है, ठीक है. सो दिस इज प्रॉपर मेटल का है. सो ऐसे ही कैंडल्स गिफ्टिंग के लिए या फिर अपने लिए आप और लेना चाहते हो ना, मैं यहाँ पे डाल दूंगी. दो तीन और पैटर्न है जो पहले भी मैंने अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट्स में दिए एंड दे हैव लव्ड इट, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी. सो यू कैन लुक दैट, गो अहेड एंड बाय दैट अगर गिफ्टिंग के लिए दूसरों को या फिर अपने को गिफ्ट करना चाहते हो तो भी यू कैन बाय दैट. सो ये तो हो गई कैंडल की बात. अभी मैं हर बार वो शेयर करती हूँ आपका जो गैस लाइटर टाइप होता है, लाइटर नॉट गैस लाइटर, लाइटर टाइप होता है. यस, आप उसको गैस पे भी यूज कर सकते हो. सो वो उस तरह से आता है, उसमें फ्यूल आता है थोड़ा सा, इतना सा जो ऑयल आता है वो होता है, रिफिल्स भी आते हैं उसके, तो वो बहुत ईजी होता है टी लाइट्स और कैंडल्स को जलाने के लिए. सो इसका फोटो यहाँ पे दे दूंगी जो मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था, तो यू कैन गो अहेड एंड बाय दैट टू. और मैं सोचू लास्ट टाइम से अभी तक यूज हो रहा है, वो अभी तक खराब नहीं हुआ है वैसे का, मतलब यूज हो रहा है इसका, रिफिल दो तीन बार कर चुकी हूं मैं. सो इसलिए मैंने नया लिया नहीं है, मुझे लेना ही नहीं पड़ा. सो एक टाइम का है तो वो आप ले सकते हो. दूसरा दिवाली में मिसिंग जो है मेरे हॉल में वो है ये तोरण. यस राइट, तो मैंने इस बार नहीं लिया बिकॉज मेरे पास ना दो तीन साल से पड़े हुए हैं तोरण, आई वाज लाइक कि चलो उन्हीं को काम चला लेते हैं. सो इसलिए मैंने खरीदा नहीं. तो मैं यहाँ पे दे दूंगी कुछ पैटर्न्स जो मुझे डिफरेंट लगे इस बार, थोड़े अच्छे लगे. तो इनकेस आप देख रहे हो आपके पास नहीं है या फिर एड ऑन करना चाहते हो, सो यू कैन गो अहेड एंड बाय दोज. उनके मैं लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मन तो मेरा बहुत कर रहा था बट आपने देखा ऑलरेडी काफी शॉपिंग हो गई, तो आई थॉट कि चलो पुराने तोरण को यूज करते हैं, थोड़ा फ्लावर्स वगैरह से करेंगे. ये जो व्हाइट फ्लावर्स आए हैं ना, सो मे बी आई विल यूज दैट, आई डोंट नो राइट नाउ, तो वो देखना पड़ेगा कैसा है. ओके, जो लाइट्स की बात करते हैं तो स्टार लाइट, ठीक है, ये वाला, ठीक है, दिया, ये वाला, दो साल से मैंने ये शेयर किया है आपके साथ. सो उनके लिंक्स तो दे ही दूंगी, इनफैक्ट मेरे लास्ट हॉल में भी गए हैं. इस बार मैंने कर्टन लाइट्स मंगाया है, जैसे स्टार लाइट का भी फॉल होता है ना, ये लाइट है. मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी कैसा लगता है ये. सो ये पूरी स्ट्रिंग है लाइट की और उसमें से ये फॉल होते हैं लंबे लंबे लाइन्स जो है ना वैसे. तो ये आपके सोफा का पीछे का अगर दीवार है ना, उसको आप डेकोरेट करना चाहते हो वहां कर सकते हो. बड़े बड़े अगर आपकी खिड़कियां हैं वहां पे कर सकते हो, या फिर बालकनी हो तो बट ऑब्वियस है वहां पे कर सकते हो. तो ये ना अभी पूरा मेरे को ओपन करके ओपन करना पड़ेगा, पूरा ओपन करना पड़ेगा. करूं कि नहीं करूं, मैं सोच रही हूँ बाद में कि मैं इसको सेट कर पाऊंगी क्या. चलो एक बार दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा कैसा है ये. यहाँ पे फोटो तो लगा दिया होगा मैंने आपको दिखाने के लिए कैसा दिखता है. मैं इसको एक स्ट्रिंग खोल के दिखाती हूँ तो आपको आइडिया लगेगा. सो ये ऐसा है, ऊपर ये पूरी एक लंबी स्ट्रिंग है और नीचे इस तरह से जो स्ट्रिंग है पूरे लटकते हैं ऐसे, बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं जो नीचे लटकते हैं. सो आपको आइडिया मिल गया. तो ये दिवाली के लिए ही नहीं, न्यू ईयर आ रहा है उसमें या फिर आपके बर्थडे पार्टीज है ना, उसमें भी यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस. तो ऐसा पूरा कंप्लीट ऊपर एक सिंगल स्ट्रिंग है, नीचे से बहुत सारे कर्टन्स जैसे, इसलिए इसको ना कर्टन लाइट्स बोलते हैं.
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा दिवाली हॉल डेकोर से रिलेटेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था. बहुत सारे वीडियोज हैं, डू चेक देम आउट टू. जितना पॉसिबल होगा उनके मैं लिंक्स भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ. आई रियली होप आपको पसंद आया होगा. सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल टेक केयर इन एडवांस. मैं आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली.